बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का पहले खुद बना डीएसपी, फिर लोगों को बनाने लगा बड़े बड़े अधिकारी। बिहार पुलिस का एक डीएसपी जो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराकर अपनों को बनाने लगा अधिकारी। इस लड़के का रसूख ऐसा कि बड़े बड़े नेता उसके यहां दावत में होते थे शरीक। पुलिस के डीएसपी से बिहार के सबसे बड़े परीक्षा के पेपर लीक कराने वाला कैसे बन गया गांव का एक लड़का? बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का पहले तो बिहार पुलिस में डीएसपी बना, फिर बिहार के सबसे बड़े परीक्षा यानी बीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक कराकर अपनों को बड़े बड़े अधिकारी बनाने में जुट गया। इस लड़के की हनक कनेक्शन और रॉब को ऐसे समझिए कि ये लड़का अपनी शादी में दावत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आमंत्रित करता है, तो पेट्रोल पंप के उद्घाटन में जिले के बड़े नेता सहित राज्य के कई बड़े नेता को अपने यहां बुलाता है। आज इसी लड़के की हरकत ने ना सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे गांव के मुंह पर कालिख पोत दी है। इसी साल 8 मई को बिहार में होने वाली बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सैकड़ों छात्र छात्राएं एसडीएम और डीएसपी से लेकर बिहार के कई बड़े पोस्ट पर अधिकारी के तौर पर चुने जाते हैं, उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए। यानी परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा में क्या प्रश्न आएंगे ये पहले ही कुछ चुनिंदा छात्रों के पास आ गए, जिसके बाद छात्रों के भारी बवाल के बाद बिहार सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करते हुए इसके जांच के आदेश आर्थिक अपराध इकाई को दे दिए। बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब तक कुल 17 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बिहार पुलिस का एक डीएसपी भी शामिल है। जिस लड़के के डीएसपी बनने पर पूरा गांव गर्व महसूस करता था, आज उसी लड़के की करतूत ने पूरे गांव के मुंह पर कालिख पोत दी। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी के हसवर का रहने वाला डीएसपी रंजीत रजक बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक करने वाले अहम किरदारों में से एक था। बताया जाता है कि रंजीत ने इसी के जरिए अकूत काली कमाई इकट्ठा की है, पेट्रोल पंप, आलीशान घर और बेशुमार दौलत। रंजीत देखते देखते बिहार पुलिस में डीएसपी से बीपीएससी के पेपर लीक करने वाला रंजीत डॉन बन गया। इसी रंजीत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने गांव के आसपास के इतने लोगों को बिहार में अधिकारी बनाया है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पेपर लीक मामले में जेल की सलाखों के पीछे कैद डीएसपी रंजीत की करतूत से आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक एक कर पर्दा उठा रही है। आर्थिक अपराध इकाई को शक है कि रंजीत ने अपने आय से लगभग 82% ज्यादा काली कमाई इकट्ठा की है, जिसको लेकर ईओयू की टीम उसके घर, ससुराल, किराए के मकान और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की, जहां से छापेमारी टीम को कई अहम सुराग मिले हैं। बिहार पुलिस के एक डीएसपी की करतूत ने ना सिर्फ पूरे पुलिस महकमे को बदनाम किया, बल्कि उसने अपनी मां, बाप, भाई, दोस्त सहित पूरे गांव को शर्मसार कर दिया। साथ ही लाखों गरीब छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। रसूख और पैसे की भूख में बिहार के उन तमाम छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया जो विपरीत परिस्थितियों में बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। कोई इस परीक्षा के लिए एक वक्त खाकर अपनी तैयारी में जुटा है, तो कोई सड़कों पर रहकर। उन तमाम छात्रों की मेहनत पर डीएसपी रंजीत ने पानी फेर दिया और अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम रंजीत द्वारा जमा की गई काली कमाई को एक एक कर निकालने में जुटी है। ताजिम हुसैन के साथ न्यूज लाइव डेस्क, पटना।